जी हाँ, ये रहा मेरा बाली व्लॉग। 3 मार्च को थी मेरी फ़्लाइट। मैं बहुत खुश थी। मेरे चेहरे से मेरी खुशी छलक तो नहीं रही क्योंकि मैं दो दो बैग घसीटते हुए लेके जा रही थी, लेकिन आई वॉज सो 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 हैप्पी। अच्छा गर्ल्स, तो मैं आ गई हूँ इधर किधर वेट कर रही हूँ। अभी चेक इन कर लिया है, बस फ्लाइट मतलब वो बंदा जो बोलता है ना, आ जाए आपकी परवाज़ उड़ान करने वाली है, तो बस उसी का इंतज़ार है। जब वो हमें बोलेंगे कि भाई नस के आ जाओ, तो हमने नसना नहीं है भाई, आराम नाल जाना है। बट बहुत रश था, थक गए हम, ना मैंने खाया ना मैंने पिया, बट पागलों की तरह आ गए हम यहाँ पे। खैर, मिलते हैं दोहा में, ठीक है? क्योंकि और कुछ बोलने का नहीं है मेरे। हाँ भाई, मैंने मास्क नहीं लगाया। वो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इस्लामाबाद में और वाकेंड में बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक है, क्योंकि ज़खीरा अंदोज लोगों ने जो है वो ज़खीरा करके रखे हैं। मैं जब वो उनकी प्राइस 2 लाख हो जाएगी तो फिर वो मार्केट में निकलेंगे, चाहे पूरी अवाम जो है कोरोना की शिकार क्यों ना हो जाए। खैर, हैंड सैनिटाइज़र मैं साथ लेके आई हूँ, बार बार मैं वो यूज़ कर रही हूँ। किसी चीज़ को टच करती हूँ तो वो यूज़ करती हूँ। सिक्योरिटी अपना ख्याल कम फर्स्ट, ठीक है? इलाज से एहतियात बेहतर। सो या यही मशवरा है मेरा आप सब लोगों को, एंड बहुत जल्द मिलेंगे दोहा में। मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँगी तब मैं घर में बैठी हूँगी। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। लिया अपने लिए 300 रुपये का एक जूस, क्योंकि एयरपोर्ट है, यू नो साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एयरपोर्ट। और उसके बाद चल पड़ी दोहा की फ़्लाइट की तरफ। पहले हमने दोहा जाना था और उसके बाद बाली। हम का मतलब मैं ख़ुद को इज़्ज़त दे रही हूँ, और ये वर्कशॉप जो है यूटोपिया ट्रीट ने ऑर्गेनाइज़ की थी, लेकिन उसको अटेंड करने के लिए हम सब ने हक हलाल के पैसे जमा किए थे। ओके गर्ल्स, तो मैं ऑन बोर्ड हो गई हूँ, प्लेन पे चढ़ चुकी हूँ। यहाँ कोई विंडो शिंडो नहीं है, मैं एग्जिट गेट के पास बैठी हूँ। नॉट सो लकी मी आई सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्पेस लाइक सो या। सो इन पायलट वाले भाई साहब ने हमसे हमारा नाम पूछ लिया, और हमने नाजिश की जगह निशु बता दिया, और अपने पैर पे हमने खुद कुलाड़ी दे मारी। हाय हाय, लेकिन इन्हें बोला कुछ नहीं। फिर उसके बाद हमने पेट पूजा की, लाइक खाना खाया, और फिर खूब आराम किया और लुत्फ़ उठाया, और दोहा के इंतज़ार में सो गए। पता भी नहीं लगा, और 4 घंटे का सफ़र पलक झपकते गुजर गया। आई एम इन दोहा, तो अब दोहा के बाद मैं जा रही हूँ बाली। लगेज वगैरह मैंने रिसीव नहीं किया क्योंकि वो डायरेक्ट जाएगा नेक्स्ट फ्लाइट पे, एंड आई हैव टू गो और करना है चेक इन। सुपर कंफ्यूज्ड और डरे हुआ हम। अभी जो है ना, यहाँ के 6 बज रहे हैं, जबकि फ़्लाइट टिकट पे लिखा हुआ था कि 5 बजे पहुँचना है। आई डोंट नो कि पाकिस्तानी टाइम या इधर का टाइम, बट वी आर हियर फाइनली। ओके सो मेरी फ़्लाइट जो है वो है B8 की, एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड। B4 तक पहुंच गए भाई बेटा, B8 भी पहुंच जाएंगे। बाली से मिलने, फाइनली आई एम हेयर इन बाली, एंड आई एम सो फ्रिकिंग टायर्ड। मतलब कि 8 बजे की फ़्लाइट थी, 11 बजे अभी मैं पहुंची। पीछे कोई क्यों नहीं है, बिकॉज मैं भुलक्कड़ में अपनी स्लिप प्लेन में ही भूल आई थी। सो मुझे दोबारा भागा भागा आना पड़ा, एंड अपनी स्लिप लेनी पड़ी, फिल करना पड़ा, एंड आई एम गोइंग बैक फिर से। एंड आप मेरे बालों की हमाइयों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, आई एम सो टायर्ड। खैर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो कि पहुंच गई, क्योंकि यकीन नहीं था कि पहुंच जाऊंगी, बट पहुंच गई। बहुत से लोगों ने मदद की, थैंक यू सो मच उन सबको।
अच्छा ओके गर्ल्स, तो बाली में है पहला दिन एंड मैं अभी नाश्ता करने जा रही हूँ, बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मैं रह कहाँ रही हूँ। सो ये था हमारा विला जिसमें हम टोटल 6 लड़कियाँ रह रहे थे। हर एक रूम में 2 लड़कियाँ थी और मेरी रूममेट थी साइमा। साइमा आई मिस यू इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। सो बहुत ही खूबसूरत विला था, ग्रीनरी हर तरफ, पूरा बाली बहुत ही ग्रीन था एंड आई लव ग्रीनरी एंड मतलब रहने को दिल कर रहा था यहाँ पूरी लाइफ के लिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। एंड आई नो कि रूम बहुत मैसी है, बट इग्नोर इट, आप सिर्फ रूम को देखो। बहुत ही बड़ा रूम था 2 लड़कियों के लिए एंड इट वॉज सो कम्फी एंड यस, ये मेरे साइड थी फुल मैसी। अच्छा तो इसके बाद हम लोग नाश्ता करने गए। सब कुछ जो था वो सफ़ा ने ऑर्गेनाइज़ किया था, कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ईच एंड एवरीथिंग। एंड जो नाश्ता था वो कॉम्प्लीमेंट्री था विला की तरफ से। अच्छा तो हम टोटल जो थी ना 13 कुड़ियाँ थी एंड ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। जैसे ही हम लोगों ने बात शुरू की एक दूसरे से, ऐसा लगा जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। खाना तो इनका था लाजवाब, लजीज और हर दिन कुछ नया। और हाँ, बहुत सी लड़कियाँ जानना चाहती होंगी कि यहाँ पे क्या हलाल खाना मिलता था। बिल्कुल, हम सब हलाल खाना ही खाते थे, जबकि हम सब क्वारंटीन हैं और घरों में हैं, तो आई मिस इट सो मच। सो बेसिकली यूटोपिया ट्रीट्स ने एक क्लास या वर्कशॉप कह सकते हैं इसे ऑर्गेनाइज़ की थी, जिसमें तमाम ब्लॉगर्स, जो कि ब्लॉगर्स नहीं हैं, वो भी जा सकते थे। सो इस वर्कशॉप में हमें सिखाया गया था कि हमारी फोटोग्राफी स्किल्स किस तरह से अच्छी हो सकती हैं, हमारी ब्लॉगिंग स्किल्स किस तरह से अच्छी हो सकती हैं और इंस्टाग्राम को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे साथ जो होस्ट गए थे उन्होंने हमें हर दिन एक एक वर्कशॉप दी और जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा। बट मेरे लिए आखिरी क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही मीनिंगफुल थी, जो कि थी बर्न योर फियर्स, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ जिसको अकेले घर से बाहर जाने में डर लगता था एंड फाइनली वो डर ख़त्म हो गया इस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद। सो खाना खा लिया, अब लेने जा रही हूँ मैं अपनी पहली वर्कशॉप। How you're breaking your stereotype. For example, like you said, you're breaking a stereotype that you're hijabi and people, you know, put a label on you and put a tag on you. You're defying that and you're going beyond it. So okay, night is here. तो सबसे पहले हम किंतामानी वॉल्केनो गए, जो कि फूड हेवन था बेसिकली एंड इतनी खूबसूरती मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। मैं खाने की बात नहीं कर रही हूँ, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैं उसकी बात कर रही हूँ।
looking forward to see you. Bye. Bye. I'm from Australia too, it's not bad. I'm from Pakistan. It's not bad. Oh, shit. This is so scary. Oh, shit. And after that, it was my turn. तो निशु जी फिर करेंगी? हाँ जी। सो ये रहा बाली का हाफ व्लॉग, क्योंकि एक वीडियो में सारा व्लॉग कंप्लीट नहीं कर सकती थी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और बाकी व्लॉग्स के लिए स्टे ट्यून एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड बाय।